और वहीं हाजीपुर के महुआ थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव के पास अपराधियों ने कल हाजीपुर कोर्ट के अधिवक्ता रविरंजन झा की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि रविरंजन झा अपने प्रतीक गांव से लाल रंग के बैगनार कार से हाजीपुर आ रहे थे, तभी घात लगाए अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया। हत्या के कारणों का हालांकि अभी तक पता नहीं चल सका है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मामले को लेकर अधिवक्ताओं में रोष देखा जा रहा है। मामले को लेकर अधिवक्ताओं का एक दल डीएम से मिलकर ज्ञापन सौंपा और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अभी तक जो जानकारी है, महुआ थाना अंतर्गत एक वकील की हत्या हुई है। वहाँ लोकल थाने, सब डिवीजन के थाने SP साहब स्वयं वहाँ गए हुए हैं, अभी वहाँ से लौटे नहीं हैं। FSL की टीम भी वहाँ पहुँच रही है। पुलिस टीम के लौटने पर घटना की विस्तृत जो जानकारी होगी वह उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में अभी प्रतिनिधिमंडल के रूप में एडवोकेट लोग आए हुए थे, DM मैम से मिले हैं, ज्ञापन दिए हैं, त्वरित कार्रवाई का आश्वासन उनको मिला है और आगे जो सूत्र मिलता है उस दिशा में पुलिस कार्रवाई की जाएगी। को यही हम लोगों ने कहा कि इस पर प्रायोरिटी पर लेके उसकी जांच कराया जाए और उन्होंने आश्वस्त किया कि जांच प्रायोरिटी पर हो रहा है। SP साहब वहाँ कैंप कर रहे हैं, FSL की टीम आ रही है, वहाँ करके जितना जल्दी होगा कार्रवाई की जाएगी।